Jakey, Eric Dexler en Tonio Taniguchi jatala taku propan kartile se jane kaitile material upare ame research kariba au jane kaitile nano mechanization and nano computer nano robotics nano robotics upare bahut beshi kam chalchi bartaman kintu nano material upare tike slow hei jaichi kai ki na nano technology ra application health re ame dekhantu amar jo drugs guda ka ame use karuchu they are all mostly from plant origin mo dita example debi गोटे होची एटिमिसिनिन जोटा कि एटिमिसिया आनुआ जहाँ पर दुई वर्ष तले दैट जापानीज लेडी चाइनीज लेडी गॉट द नोबेल प्राइज से प्रोडक्टा सॉल्युबल नुहे वाटर रे ताको सॉल्युबलाइज करियो पई आमे ताको डेरिवेटाइज करूचू जा द्वारा कॉस्टा बढ़ी जाउची केमिकली तेणु नोबडी हैज डेवलप्ड एट नानो एटिमिसिनिन येट किंबा कौनसी ड्रग जो ड्रग गुड़ा का आम यूज करुच्छू ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट पाई कैंसर ट्रीटमेंट पाई किंबा अन्य कौनसी क्रॉनिक डिजीज एचआईवी पाई से गुड़ा को नानोटाइज करा जाए ना ही जदि करा जाउंता ताले बहुत किछि लाभ हे परंत आपण मते गोटे नानो टेक्नोलॉजी डेवलप करछंती कुरकुमिन बोली हळदी जो गोटे नानो नानो प्रोडक्ट डेवलप करछंती से बिषय दिपत कहिबे कि योर इन्वेंशन मोर जो इन्वेंशन गत 16 वर्ष हैलानी मते लागिछि जेन्युरे थिला बेले ठारु आरंभ करी वर्तमान 8 वर्ष हे गला किट इन्वर्सिट रे जोटा मु करिछि मु कुरकुमिन टाकु हळदी रु एक्सट्रैक्ट कला परे ताकु नानोटाइज करवा पई गोटे मेथड डेवलप करछि जोतरे कि मु अपना रे पेटेंट ऑलरेडी मते रिसर्चि सर कमर्शियलाइजेशन स्टेज रे कोन अछि वर्तमान आमे वर्तमान सेटाकु प्रोड्यूस करिकिरि कमर्शियलाइज करि सार लुनी एवं कैंसर पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट आउ आर्थराइटिस पेशेंट को आमे दबा आरंभ करिछु तारो एडवांटेज टा कोन हैला आमे गोटे नेचुरल प्रोडक्ट को नानोटाइज करबा द्वारा तारो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेबा द्वारा आउ बिकॉज़ एटा गोटे मेटालिक पार्टिकल नुहे किबा अन्य किछि ऑन पार्टिकल नुहे जोटा कि रहिबो नेचर रे बहुत समय पई एटा डिग्रेड हे जाए तनो गोटे एडवांटेज होछि मोर नानो कुरकुमिन टा आपन जदि गोटे ह्यूमन बीइंग को देबे किबा मुसा को देबे within 2 to 3 hours it will start degrading and within 8 hours it will disappear from the body tenu eita kintu 8 hours purburu taro jaha biological effect dekhebo it is an anti inflammatory compound inflammation kameibo it is an antioxidant oxidation stress kameibo tachara it is an immunomodulator bahut badhiya katha dekhebo ei tinta jinso misikri aur toxic nu he curcumin ta 10 ग्राम्स 12 ग्राम्स पर्यंत जने लोक दिन को नहीं पारिबो बहुत बढ़िया कथा मोटे आसी प्रोफेसर साहू को पाको को प्रोफेसर साहू रिचर्ड फेनमैन जो कथा रे कहितले 1959 मसिया रे दैट इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम त माने मैटर को एट द एटॉमिक स्टेज और मॉलिक्यूलर स्टेज वन कैन मैनिपुलेट ए कथाटा प्रथम तरफ पे विश्व इतिहास रे रिचर्ड फेनमैन कहितले जा को हम नैनो टेक्नोलॉजी रो फादर बोली कहितो समग्र विश्व रे एटॉमिक स्टेज रे मॉलिक्यूलर स्टेज रे यू कैन मैनिपुलेट मैटर एवं तार प्रॉपर्टी बदली जाउची प्रॉपर्टी रूपरेख बदली जाउची एवं सेटा मनुष्यर हितर बहुत भाव में लगी पड़ी ए जो नानो टेक्नोलॉजी बा नानो साइंस तार जो भविष्य तो विस्तारित रूपरेख सर्वसाधारण जनता उपकार कल्पे कौन लगी पड़ी भविष्य रूपरेख पर दीपत कह संक्षेप नानो टेक्नोलॉजी भविष्य तो बहुत उज्जवल आज्ञा केमी उज्जवल कह तो रिसर्च चली देखिले सारा पृथ्वी में चलती रिसर्च इंडिया रे रिसर्च चलती ओडिशा रे भी रिसर्च चलती तार ऊपर नानो टेक्नोलॉजी ऊपर तीनटा जिनसटा ऊपर माने विचार करबा को पड़िबो मेनली विचार गोटे हला सिग्नल प्रोसेसिंग आउट हला मेडिकल इमेजिंग आउट हला एनर्जी कन्वर्सन ए तीनटा प्रमुख जिनिस को नै आपण कन्वर्ट करिवे बा नानो टेक्नोलॉजी रो फ्यूचर विषय रे डिस्कशन करिवे तो आपण प्रथम टा देखबे सिग्नल प्रोसेसिंग टा कोन बा इमेजिंग टा कोन सेटा सेंसर बायो सेंसर बा सेंसर यूज करी आपण किपरि विभिन्न इनफॉर्मेशन पाई पारिबे गोटे सोल्जरटे युद्ध क्षेत्र में रहुची वर्तमान युद्ध सेना बमटे पड़े सी जाणला किंतु जेतेबेले केमिकल वार बा बायोलॉजिकल वार हबो सेतेबेले सी केमिति जानिबो जे सेतेबेले सेथिपई बायो सेंसर बॉडी भितरे इंजेक्ट करा गलाणी बॉडी भितरे देले ता द्वारा जानि पारुची से सेंसर द्वारा ये इंडिकेशन पाई जिवो जे केमिकल टे आसुची ताको अंध कर दबो किंबा स्किल इरिटेशन हबो बायोलॉजिकल वार हबो तेणु सी ता पूर्व सचेतन हो तार मनोबलटा बढ़ी जा बायोलॉजिकल इमेजिंग आसला आउ गोटे कथा जे मेडिकल इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग ये वर्तमान तो आप जानते जे अभिनंदन जी आम कैप्टेन जड़े बॉडीटा स्कैन करागला कहीं से ही सन्देह रहा कि बायोसेनसर काले कि पाकिस्तान जानवाक किसी इनफर्मेसन नापी तेणु आउ गए रहा मेडिकल इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग गोटे नानो मेडिसिन हूँ तार गोटे फ्रंट एरिया
ଯିଏକି ତାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ନାନୋ ମେଡିସିନର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏନର୍ଜି କନଭର୍ସନ। ଏନର୍ଜି କନଭର୍ସନରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାୱାର କାର୍ ଚାଲିବ, ସେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ସନ, ତାର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିବା ବି ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ, ଆପଣ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କେତେ ରଖିପାରୁଛି ସେ ମେମୋରି। ଆଗେ ସି ଡି ହେଉଥିଲା କେତେ ହେଉଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟଲି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 GB ମେଟ୍ରିଆଟା $500 ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ସନ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ସନ। ସୋ ଏଇଭଳି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ନାନୋ ମିଶନ। ସିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫାଦର ଅଫ୍ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସି ଏନ୍ ଆର୍ ରାଓ, ଯିଏକି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ, ଆପଣ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର। ଆଉ ଫାଦର ଅଫ୍ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ରୋରିଅର, ରୋରିଅର ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନାନୋ ମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯଦି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଆସିଲା ଯେ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏରିଆ ବା ହାଇଟେକ୍ ଏରିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ରାଜି ହେବେ ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ରୂପରେଖ ଆଜି ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତରରୁ ଉଠିକି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହାତ ମିଳିବା ଦରକାର, ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର କର ମହୋଦୟ ଆସିଲେ, ପ୍ରଫେସର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଗହଣକୁ ଆସିଲେ, ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେଖ ଆମ ଦର୍ଶକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।